हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रात के बचे हुए कचौड़ी के आटे का बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तीज त्योहारों पे अक्सर हमारे यहाँ पूड़ी कचौड़ी के आटे जो है बच जाते हैं और दूसरे दिन हमें उसे खाने का मन नहीं करता। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि कचौड़ी का आटा अगर बच जाए तो आप क्या कर सकते हैं, उसका वापस से आप उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे बचा था कचौड़ी का आटा, इसमें मैंने उड़द दाल, बेसन और अजवाइन, मोहन, नमक सब कुछ इसमें ऑलरेडी मिक्स है। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास जो है यहाँ पे कचौड़ी का आटा बचा। अब इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले एक भाग को हमने यहाँ पर लेना है और इसको हमें बेल लेना है। तो रोटी के आकार का हम इसको बेलेंगे सूखा आटा लगाते हुए। इसको सबसे पहले हमें पतला पतला बेल लेना है। तो हमने इसको प्लेटफॉर्म पे बेला है, आप चाहें तो रोलिंग बोर्ड पे भी इसको बेल सकते हैं, लेकिन रोलिंग बोर्ड पे हम उतना बड़ा नहीं बेल पाएंगे क्योंकि रोलिंग बोर्ड छोटा होता है, तो उसमें हम उस आकार का बेलेंगे। इसलिए हमने इसको किचन के प्लेटफॉर्म पर ही बेल लिया है। तो हमारी जो रोटी है वो बेल चुकी है। अब इसको हम साइड से जो भी थोड़ा बहुत खुरदुरा है उसको हम कट कर देंगे और सारे प्लेन पार्ट्स को हम ले लेंगे। साइड से जो भी पार्ट्स अच्छे से नहीं मिले हैं, जो टूटे हुए पार्ट्स हैं उनको हम निकाल देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, लंबी लंबी शेप में कट कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं नूडल्स बना रही हूँ, लेकिन नहीं, ये नूडल्स नहीं है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और ख़ासकर अगर आप इस नाश्ते को इमली की चटनी के साथ खाएंगे ना, तो ये बहुत ही अमेजिंग लगेगा क्योंकि इसमें सभी कचौड़ी के फ्लेवर हैं। इसमें सौंफ, उड़द की दाल और हरी मिर्ची, तीखा, स्पाइसी सब कुछ ऑलरेडी मिक्स है। तो इसमें आपका जो टेस्ट है इसमें पहले से है और हम इसमें जो टेस्ट डालेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट डालेंगे। हम बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि आटे में फ्लेवर पहले से ही मिला हुआ है। तो सभी को हमने पतली पतली शेप में कट कर दिया है। जो शेप थोड़े बहुत चिपक गए उनको हम अलग कर लेंगे और इसी तरीके से आपको दूसरे को भी बेल लेना है। अब हमने कढ़ाई में यहाँ पर पानी को बॉयल करके रखा है। अब इस बॉयल पानी में हमने इस आटे को डाल देना है। थोड़ा सा घी डाल देंगे ताकि जो आटा है वो आपस में चिपके नहीं। घी, तेल कुछ भी डाल सकते हैं आप। तो जो हमने यहाँ पे बनाए हैं लंबे लंबे शेप जो हमने कट की है, इसमें सारे शेप्स को हम यहाँ पे डाल देंगे और इसको 10 मिनट के लिए आपको इसी तरह छोड़ देना है अच्छे से बॉयल होने के लिए। तो आफ्टर 10 मिनट्स हम इसको चेक करेंगे। बीच बीच में भी आपको एक दो बार इसको चला लेना है ताकि ये आटा बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपके ना। और हमने इसमें ऑयल डाला है और आटे में पहले से भी मोहन पड़ा हुआ है, तो आटा वैसे भी आपस में नहीं चिपकेगा। तो 10 मिनट्स बाद हम इसको चेक करेंगे। तो हमारा जो आटा है वो अच्छे से फूल गया है और बॉयल भी हो चुका है। तो अब हमने इसको क्या करना है, निकाल लेना है। एक स्ट्रेनर में निकालेंगे और इसको ठंडे पानी से वॉश कर देना है ताकि ये ओवर कुक ना हो, नहीं तो आटा टूट जाएगा। इसीलिए हमने इसको लंबी लंबी शेप में काटा है ताकि ये अगर टूटेगा भी तो ज़्यादा नहीं टूटेगा। अब हमने कढ़ाई में डालना ऑयल। आप टीस्पून के करीब डालेंगे ज़ीरा, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, सभी को अच्छे से भून लेना है। अब हमने यहाँ पे डाला है 1/2 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। अनियन का यूज़ इसमें हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ओनियन का टेस्ट इसमें अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने सभी को अच्छे से यहाँ पे पका लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर के लिए। अब जो हमने आटे को कट करके रखा है, अब इसको हम पूरा सा सभी को इसमें डाल देंगे। तो नॉन स्टिक पैन में अगर आप इसको फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। अगर आप नॉर्मल कढ़ाई में इसको फ्राई कर रहे हैं तो इसके चिपकने का भी डर है, इसलिए आपको उसमें ऑयल ज़्यादा डालना पड़ेगा। अगर आपके पास नॉन स्टिक बर्तन है तो आप उसमें इसको ज़रूर बनाएं, उसमें ये चिपकते बिल्कुल भी नहीं है। और अच्छे से इनको आपको फ्राई करना है, 2 से 3 मिनट आप इसको अच्छे से बिल्कुल क्रिस्प होने तक फ्राई करें। बहुत टेस्टी लगता है ये। कभी एक जब भी आपके नेक्स्ट टाइम आटा बचे तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनता है ये। और आप इसे इमली की चटनी के साथ ट्राई करिए तो बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट आएंगे, आपको पता चलेगा कि कितना अमेजिंग बनता है, आपको बहुत पसंद आएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए नमक।
अब अच्छे से हमें इसको चलाना है और इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो फ्राई हमारा जो आटा है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे टोमेटो केचप, टोमेटो केचप की जगह आप यहाँ पे इमली की चटनी का यूज़ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ पे डाला है सोया सॉस, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, 2 से 3 बूंद। थोड़ा सा हमने विनेगर डाला है और डालेंगे एक मैगी मसाला है, मैजिक का पैकेट। सभी को आपने अच्छे से मिक्स करना है और 3 से 4 मिनट अच्छे से आपको फ्राई करना है सारे सॉसेस को भी। तो बिल्कुल खट्टा मीठा और चटपटा सा फ्लेवर आता है इसमें, ज़रूर ट्राई करिएगा आप ये रेसिपी। जब भी नेक्स्ट टाइम फेस्टिवल में आपके यहाँ अगर ये आटा बच जाता है ना, तो आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यकीन मानिए बहुत अमेजिंग बनती है। मैंने भी इसको फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया, तो मैंने सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए, बहुत अमेजिंग बनता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए, हमने हमारा जो मिक्सर है वो प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया है, अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो हमने इसको सर्व कर लिया है, ऊपर से हरी धनिया से गार्निश कर दिया है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम यूट्यूब एंड फेसबुक पे। प्लीज़ ट्राई करिए, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।